हेलो टू एवरीवन। और आज अपने स्टार्ट कर लिया है फर्स्ट चैप्टर के बारे में, तो पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, फर्स्ट आता है अपन एसिलरेशन पे। तो एसिलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आते हैं फोर्स पे। फोर्स क्या होता है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, मान लो जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं धक्का दे रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये पोजीशन चेंज हो गई, तो मतलब ये फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, फिर आता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, जहाँ पे मास क्या होता है किलोग्राम में मेजर करते हैं, और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक तो अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आता है कि मास क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान जैसे मास को कैसे मेजर करते हैं? किलो में। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, और 1 मिलीग्राम में 10^-3 ग्राम होता है। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर में, टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, अब तापमान दिया हुआ है अगर डिग्री सेल्सियस में, और अपने को क्वेश्चन आ जाए कि उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो 273 आप ऐड कर सकते हो, के इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर यहाँ पे ये यूनिट है, इनको पढ़ लेंगे। तो 3-4 यूनिट स्पेशली याद रखनी, मिली के लिए 10^-3, नैनो के लिए -9, और पिको के लिए -12। ठीक है, और एक मेगा 10^6 बस सफिशियंट है। फिर चलते हैं अपने 1 यार्ड, जो बात करते हैं ना गज, एक गज, एक गज में कितने होते हैं? 3 फुट होते हैं। 1 फुट में हमने बताया 12 इंच। ठीक है, 1 इंच में होता है अपना 2.54 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अब चलते हैं अपने सप्लीमेंट्री यूनिट। अब जैसे फंडामेंटल यूनिट के बारे में तो अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जैसे मीटर, किलोग्राम, डिस्टेंस, ये सब उस यूनिट के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन ये कह रहा है जब सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करता हूँ ना, तो इसमें 2 यूनिट आती है, एक होगा प्लेन एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में रेडियन के बारे में बात करते हैं, और सॉलिड एंगल में एक्सटर्नल रेडियन के बारे में। ठीक है, फिर चलते हैं लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे एक मेरा फ्रेंड था, उसने कहा कि सूर्य और तारे अर्थ को मेजर कर। मैंने कहा इम्पॉसिबल। उसने कहा कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने कहा ठीक है, क्या होता है? तो कहता है डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ को जो मेजर करते हैं ना, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक होता है लाइट ईयर, ये भी डिस्टेंस को मेजर करता है। कन्फ्यूजन के लिए कई बार दे सकते हैं कि डिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं, और 4 ऑप्शन में देते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, फिर आता है 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? अभी जस्ट देखा था 273 ऐड कर दो, तो जब 273 इसमें ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा? 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। अभी बताया था कि हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इसको चेक करते हैं, टाइम चेंज नहीं करते। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स? 0.62 माइल्स होते हैं। ये क्वेश्चन ही आ सकता है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? लीप ईयर साल मेजर करते हैं, लाइट ईयर, लूनार ईयर मतलब कितने टाइम बाद ये अर्थ मतलब सन और इनके बीच में आएगी, वो मेजर करते हैं। तो लाइट ईयर ही हो गया, इससे अपने क्या करते हैं डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसको तो टाइम का हुआ ही नहीं। फिर चलते हैं नॉट इज यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसके लिए होगा? तो ये होगा सीप। ठीक है, रिलेशन दिख गया, नॉट हमेशा सीप को मेजर करने के लिए यूज होता है। अगर करंट, करंट किसमें मेजर करते हैं? जो करंट फ्लो करता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, उसका अपन मेजर करते हैं एमीटर से। किस से? एमीटर से। फिर आता है बार। बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर तो केल्विन में, और प्रेशर होता है बार में, और हीट को करते हैं किलो जूल में। ठीक है, तो प्रेशर का बार, बार हो गया। ठीक है, तो तीनों भी क्लियर हो गया। और करंट किस में? एम्पियर में। फिर चलता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर ये इंपॉर्टेंट, इसका होता है 746 वाट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 फैंटम इज इक्वल टू 6 फीट के इक्वल होता है। ठीक है, और फैंटम किसकी यूनिट होती है? डेप्थ की, गहराई। गहराई को अपन फैंटम से मापते हैं। अगर डेसीबल, डेसीबल को अपन मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड से। ठीक है, थैंक यू सो मच।